हेलो फ्रेंड्स, जावा सीखने की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे एक्सेस प्रोटेक्शन एंड पैकेजेस। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस टेबल को हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सेस प्रोटेक्शन का थ्योरी पार्ट हमने डिस्कस किया था और हमने ये भी बोला था कि अगली वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली आपको मैं करके बताऊँगा कि ये कैसे प्रैक्टिकली हम प्रोग्राम बना के देखेंगे कि लाइव देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, कहाँ कहाँ हम इनको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं एक्सेस कर सकते हैं, ये हम करके देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको इस टेबल को एक बार वापस से याद दिला देना चाहता हूँ, क्योंकि हम प्रोग्राम में देखेंगे वहाँ पर कि कहाँ कौन सी कैटेगरी को हम कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आप इस टेबल को एक बार मैं आपको वापस से समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर चार कैटेगरीज हैं। ठीक है, सेम क्लास मतलब कि सेम पैकेज में सेम क्लास, और सेम पैकेज की सब क्लास, और सेम पैकेज के नॉन सब क्लास, और डिफरेंट पैकेज की सब क्लास, और डिफरेंट पैकेज की नॉन सब क्लास। ठीक है, तो पांच तो ये हो गई, तो पांच प्रोग्राम बनेंगे हमारे पांचों कैटेगरी के। ठीक है, और इसी तरीके से प्राइवेट, मॉडिफायर और प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ये सब वेरिएबल हम बना के वहाँ पे देखेंगे, पांचों क्लास बनाएंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे पब्लिक है, तो पब्लिक को तो सब जगह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम जो पब्लिक वेरिएबल बनाएंगे उनको इन पांचों क्लास में हम एक्सेस करके देखेंगे, तो उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से प्राइवेट को हम ओनली सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और सब जगह इनको एक्सेस नहीं कर सकते। और जो नो मॉडिफायर है, जिसमें डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है, उसको हम सेम पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट पैकेज है, उनमें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेम पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड को भी सब जगह एक्सेस कर सकते हैं, बस डिफरेंट पैकेज की नॉन सब क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं वापस से टेबल को बता दूंगा। अब हम डायरेक्टली चलते हैं प्रोग्राम पे। ठीक है, वहाँ पर हम प्रैक्टिकली ये करके देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पांच कैटेगरीज की पांच क्लास तो यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम काफ़ी लेंदी है, तो इसलिए मैंने प्रोग्राम को ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर सिंपल उसको समझा दूँगा, अदरवाइज़ उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सात प्रोग्राम, सात फाइल बनेंगी। ठीक है, पाँच कैटेगरी की पाँच फाइल तो ये बनेंगी कि एक क्लास है, ठीक है, पैकेज पी वन में बनाएंगे हम, फिर सब क्लास सेम पैकेज की, ठीक है, उसी पैकेज में पी वन में सब क्लास बनाएंगे हम इसकी। ठीक है, फिर नॉन सब क्लास बनाएंगे उसी पैकेज में। ठीक है, तीन तो ये हो गई। फिर दूसरा पैकेज पी टू बनाएंगे, उसमें हम बनाएंगे सब क्लास, और फिर दूसरे पैकेज की ही पी टू पैकेज की नॉन सब क्लास बनाएंगे। ठीक है, पांच क्लास तो ये हो गई पांच कैटेगरीज की। ठीक है, और फिर हम इन दोनों को, पैकेज पी वन और पैकेज पी टू, इनके लिए जो डेमो क्लास बनाएंगे हम, जिसमें मेन फंक्शन रहेगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से सात प्रोग्राम बनेंगे यहाँ पर, सात फाइल बनेंगी। तो ये प्रोग्राम काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा और इसको रन करवा के आपको बता दूंगा वन बाय वन। ठीक है, तो अभी मैं इनको, कुछ मैंने कमेंट किए हुए थे, इनको मैं वापस से आपको मैं यहाँ पर पूरा रन करवा के बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम इनको, जो हमने टेबल में देखा था वो एक्चुअली में हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने ये प्रोग्राम अभी जस्ट लिखा है, तो मैं आपके सामने भी लिख सकते हैं, बट वो वीडियो कम से कम 30 मिनट से अब हो चली जाएगी। ठीक है, तो पांचों कैटेगरीज के लिए पांच क्लासेज हो गई। ठीक है, अब हम इनको रन करवाते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, पहली क्लास है तो पांच कैटेगरीज की पांच क्लास बना दी, और इनमें हमने चार वेरिएबल बनाए। ये है डिफ़ॉल्ट, मतलब कोई हमने एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किया है, फिर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ठीक है, पांच कैटेगरीज हो गई और चारों वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, अब हम, मैंने सबको क्या किया, यहाँ पर प्रिंट करवाया। ठीक है, तो पहली क्लास हमने ये बनाई जो पैकेज पी वन में बनाई है। ठीक है, उसमें चार वेरिएबल बना दिए हमने, चारों टाइप के। ठीक है, और इनको यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरी क्लास बनाएंगे सेम पैकेज की सब क्लास। ठीक है, सेम पैकेज मतलब पी वन में बनाई है मैंने। ठीक है, और इसकी सब क्लास है, आप देख सकते हैं कि ये सब क्लास है जो एक्सटेंड कर रही है इसको। ठीक है, प्रोटेक्शन वाली क्लास को, और इसमें भी मैंने इन वेरिएबल्स को प्रिंट करवाया है। ठीक है, फिर हम थर्ड क्लास बनाएंगे नॉन सब क्लास सेम पैकेज में,
P1 में ही ये बनाइए, नॉन सब क्लास है, मतलब कि एक नॉर्मल अदर क्लास है कोई, ये सब क्लास नहीं है किसी क्लास के, ठीक है, नॉर्मल क्लास है। तो इसमें हमने यहाँ पर इनको प्रिंट करवाया, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये सब क्लास नहीं है, यहाँ पर तो ये सब क्लास थी, ठीक है, एक्सटेंड कर देती इसलिए इनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है वेरिएबल को, क्योंकि ये सब क्लास है, बट ये सब क्लास नहीं है तो इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती है, इसलिए हमें पहले जो प्रोटेक्शन क्लास है जिसमें ये वेरिएबल्स हैं इनको एक्सेस करने के लिए पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। अब इस क्लास को तो हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्लास के दो मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक और बाय डिफ़ॉल्ट। तो पब्लिक को तो कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट है उसको हम सेम पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने ये क्लास है जो पब्लिक बनाई है तो इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा, फिर हम इनको उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अब ऐसे ही फिर चौथी कैटेगरी है डिफरेंट पैकेज में सब क्लास, ठीक है, डिफरेंट पैकेज यूज किया हमने और हमने सब क्लास बनाई है। आप देख रहे हैं कि ये P1 पैकेज का जो प्रोटेक्शन क्लास है इसको इनहेरिट कर दिए, ठीक है, तो फिर मैंने इनको यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। और जो लास्ट फिफ्थ कैटेगरी है वो है कि डिफरेंट पैकेज है P2 में और नॉन सब क्लास है, मतलब ये सब क्लास भी नहीं है, नॉर्मल क्लास है। तो जैसे ही हमने लास्ट उसमें देखा था पहली वाली क्लास में कि नॉन सब क्लास है तो इसको एक्सेस करना होगा तो हमें पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। अगर सब क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो इसको इनहेरिट कर रही है, ठीक है। अगर इनहेरिट नहीं कर रही है नॉन सब क्लास है तो हमें उसका पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने बताया कि हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें पूरा पाथ उसका देना होगा कि कौन वो क्लास है जो कौन से पैकेज में है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है, 5 कैटेगरीज की हमने 5 फाइल बनाई है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको 1 by 1 पहले मैं कंपाइल करवाता हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी पैकेज नहीं है, ये माई पैक है जो पहली वाली वीडियो में हमने देखा था वो था, यहाँ पर और कोई पैकेज नहीं है और ये क्लासेज यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हैं। अब मैं जैसे ही उनको रन करवाऊँगा तो यहाँ पर पैकेज बनते जाएंगे। सबसे पहले हम इस क्लास को रन करवाएंगे प्रोटेक्शन डॉट जावा को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रन करवाता हूँ। आई होप आपको ये सारी 5 क्लासेज समझ आ गई होंगी। अगर इनमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है इस कोड में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ठीक है। बट आई थिंक ऐसे ही कोई प्रोग्राम ज़्यादा टफ नहीं है, प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर प्रोटेक्शन डॉट जावा है पहले इसको कंपाइल करवाऊँगा, ठीक है। तो पैकेज के केस में कंपाइल करवाने का तरीका हमको पता है, ठीक है, प्रोटेक्शन डॉट जावा, ठीक है। आप देख रहे हैं कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है, और ये पैकेज बन गया होगा वहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ, ये पैकेज बन चुका है P1 और उसमें एक क्लास ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई है, ठीक। तो अब हम इसी तरीके से अब इसको रन करवाएंगे, ठीक है, सब क्लास सेम पैकेज वाली, ठीक है। मैंने नाम भी उस हिसाब से दिया है तो आपको समझने में आसानी होगी। तो अब यहाँ पर हम रन करवाएंगे सब क्लास सेम पैकेज, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एरर आ रहा है, ठीक है। एरर क्या आ रही है, लाइन नंबर 9 में, कि एन प्राई जो वेरिएबल है इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट एक्सेस है, ठीक है, एज प्राइवेट एक्सेस, मतलब कि जो वेरिएबल है जो प्राइवेट डिफाइन है और इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं लाइन नंबर 9 में। तो इसमें आप चेक करेंगे लाइन नंबर 9 में जो हमने प्राइवेट वेरिएबल बनाया था उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने देखा था कि प्राइवेट वेरिएबल्स को ओनली जिस क्लास का वेरिएबल है उसी में एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि ये इस क्लास का वेरिएबल है तो इसी में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी एरर हमें नहीं आई थी क्योंकि हमने, अगर हम यहाँ पर मैं टेबल में आपको दिखाऊंगा तो सेम क्लास है और इसको यस यस है सब जगह, मतलब सब जगह एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें कोई एरर नहीं आई थी, बट इस फाइल में हमें एक एरर आ रही है लाइन नंबर 9 में कि प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं क्यों, हमने देखा था कि प्राइवेट वेरिएबल को ओनली जिस क्लास का है उसी में एक्सेस कर सकते हैं, अदर क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरी जैसे ये सेम पैकेज की सब क्लास है ना, तो आप देख सकते हैं बस प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं और सबको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर प्राइवेट वाली लाइन में एरर आई है और बाकी की लाइन में कोई एरर नहीं है। तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा, ठीक है, तो अब ये एरर नहीं आएगी। अगर मैं वापस से इसको रन करवाता हूँ तो अब ये एरर नहीं आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी टाइप की क्लास है, इसको हम रन करवाते हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो अब इसको मैं यहाँ पर रन करवाऊंगा जो है अदर क्लास नॉन सब क्लासेस सम पैक उसी पैकेज की, ठीक है, अदर क्लास सेम पैकेज। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक एरर आ रही है कि प्राइवेट को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी है कि सेम पैकेज की नॉन सब क्लास, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि सेम पैकेज की नॉन सब क्लास है, प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं और सबको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए प्राइवेट वाली लाइन में यहाँ पर आपको एरर आ रही है, लाइन नंबर 9 में आप देख सकते हैं, 9 में जो प्राइवेट वेरिएबल है उसमें एरर आ रही है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो आप ये एरर अब नहीं आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथी कैटेगरी की कि सब क्लास है डिफरेंट पैकेज की, ठीक है। इसको हम कंपाइल करवाते हैं सब क्लास डिफरेंट पैकेज की, ठीक है। तो इसको मैं रन करवाऊंगा तो आप देख रहे हैं इसमें दो एरर आ रही है, लाइन नंबर 7 में और लाइन नंबर 8 में। तो 7 में क्या एरर है कि यहाँ पर देख रहे हैं 8 में तो प्राइवेट वेरिएबल है उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और इसमें जो डिफॉल्ट मॉडिफायर वाला है उसको भी एक्सेस नहीं करते 7 और 8 में। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं इस प्रोग्राम में 7 में क्या है, देख रहे हैं डिफॉल्ट वाले को एक्सेस नहीं कर सकते हैं और 8 में प्राइवेट वाले को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। कैटेगरी कौन सी है, सब क्लास डिफरेंट पैकेज। आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि सब क्लास डिफरेंट पैकेज, ठीक है, प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं और नो मॉडिफायर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए दो एरर आ रही हैं और बाकी के दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों लाइन में हमें एरर आ रही है, तो इनको मैं कमेंट में कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एरर अब नहीं आएगी, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये एरर अब नहीं आ रही। अब जो लास्ट कैटेगरी है उसकी हम बात कर लेते हैं कि नॉन सब क्लास और डिफरेंट पैकेज, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पर रन कर लेते हैं, नॉन सब क्लास मतलब अदर क्लास है डिफरेंट पैकेज का, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं 3 एरर आपको यहाँ पर 3 एरर शो कर रहा है, लाइन नंबर 8, 9 और 10 में। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं 8, 9 और 10, मतलब कि प्राइवेट वाले में आ रही है एरर, ठीक है, सॉरी जो बाई डिफॉल्ट वाला है उसमें एरर आ रही है, प्राइवेट वाले में एरर आ रही है और प्रोटेक्टेड वाले में एरर आ रही है। तो हम टेबल में चेक कर सकते हैं कि फिफ्थ कैटेगरी क्या है, नॉन सब क्लास और डिफरेंट पैकेज, जिसमें हम प्राइवेट में भी एरर आएगी, डिफॉल्ट वाले में भी एरर आएगी और प्रोटेक्टेड वाले में भी एरर, ओनली पब्लिक वाले को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओनली हमने 3 लाइन्स में एरर आ रही है, ओनली पब्लिक वाले को हम एक्सेस कर सकते हैं, इस लाइन में एरर नहीं आ रही, बाकी के तीनों में एरर आएगी। तो मैं इनको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ तीनों में, तो वो एरर अब नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं वापस से रन करवाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि ये एरर गायब हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई थिंक वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं या कहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अब ये दोनों प्रोग्राम हैं जिनमें हमने सिंपल मेन फंक्शन है जिसमें P1 की जो 3 क्लासेज थी उनका ऑब्जेक्ट बनाया है, ये सिंपल रन करवाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट तो यहीं पे क्लियर हो गया कि हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसे ही P2 के लिए हमने मेन फंक्शन बनाया, मेन क्लास बनाई जिसमें 2 क्लास थी P2 में, उनको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो अब मैं इनको रन करवा सकता हूँ इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको रन करवाऊंगा तो P1 में जो 3 क्लासेज हैं, ये क्लास और ये पहली 3 क्लासेज हैं, ये तीनों रन हो जाएंगी, ठीक है, तीनों रन हो जाएंगी। तो एक बार मैं आपको एक बार ये रन करवा के चेक करवा देता हूँ, ठीक है। जावा सी प्रोटेक्शन डेमो P1, ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है और रन करवा सकते हैं इसको हम जावा कमांड से। यहाँ ध्यान रखें ये P1 वाले पैकेज में है, तो मैं P1 dot protection, मैं मतलब रन करवाते टाइम पे मेरे को पूरा पाथ यहाँ पर देना होगा, ठीक है। देख रहे हैं कि ये 3 क्लास थी पहली में, तो 3 क्लास हो, तीनों क्लास रन हो गई, पहली क्लास, दूसरी क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है, तीनों क्लासेज यहाँ पे रन हो चुकी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरीके से मैं जो P2 पैकेज के लिए मैंने मेन फंक्शन जिसमें बनाया था इसको भी हम यहाँ पर रन करवा सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैं पूरा लिखता हूँ, पहले कंपाइल करवाना होगा हमें, P1 का है ये, प्रोटेक्शन
डेमो P2 क्लास है, ठीक है। तो ये भी कंपाइल हो चुका है और मैं इसको रन करवा सकता हूँ जावा कमांड से। जावा मुझे पहले पाथ देना होगा, P2 पैकेज में है ये, और फिर क्लास का नाम देना होगा, प्रोटेक्शन डेमो P2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर रन हो चुका है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस किया है इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम हमने पूरा पहले से लिखा हुआ था क्योंकि टाइम लगेगा, बट आई थिंक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने वन बाय वन जो भी प्रोग्राम मैंने लिखा था उसको इजीली आपको समझाया है, और मैंने टेबल की सहायता से भी बताया कि कहाँ हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पे एरर आएंगी और वो एरर क्यों आएंगी, और वो एरर कैसे गायब होंगी, कैसे उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैंने सब अच्छे से डिस्कस किया है, जिसमें तीन वीडियोज़ हमने डिस्कस किए हैं पैकेज की। पैकेज की हमने इन तीनों वीडियोज़ में पैकेज को कंप्लीट डिस्कस किया है। अब पैकेज टॉपिक है जो कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, और मैं आपसे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर रोज़ मंडे टू फ्राइडे की एक वीडियो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपके लिए लेकर आता हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कोचिंग। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।